कोरोना की वजह से जहां स्कूल और कॉलेज के बच्चों की परीक्षा को ऑनलाइन करवाया जा रहा था, तो इसी बीच कोरोना की वैक्सीन आने के बाद हरियाणा सरकार ने परीक्षाओं को ऑफलाइन करवाने का फैसला लिया है, जिसके चलते छात्र नाराज चल रहे हैं। अंबाला शहर में भी पॉलिटेक्निक के विद्यार्थियों में ऑफलाइन परीक्षा के खिलाफ रोष देखने को मिला। विद्यार्थियों का कहना है कि जब उनकी पढ़ाई ऑनलाइन हुई है तो ऑफलाइन परीक्षा क्यों? उन्होंने कहा कि वो ऑनलाइन परीक्षा की मांग कर रहे हैं, जिसके चलते उन्होंने प्रिंसिपल को ज्ञापन सौंपा है। जब कुरुक्षेत्र वाले ले सकते हैं ऑनलाइन पेपर, वो बच्चे करा सकते हैं, तो हम क्यों नहीं करा सकते सर? सब पढ़ाया, सब कराया, पेपर ऑफलाइन ही है, कौन सा रूल है सर HSBT वालों का? इसका नहीं आया सर समझ। फिर कहते हैं कि बच्चे पढ़ते नहीं सर, पहले भी हमारी एप्लीकेशन ली है, पहले भी कुछ नहीं किया सर, HSBT फेल हो जाते हैं, क्यों होते हैं भाई फेल? हम ये चाहते हैं सर, ऑनलाइन पेपर्स हो रहे हैं फर्स्ट ईयर के, और हम ये चाहते हैं सेकंड और थर्ड ईयर के भी ऑनलाइन पेपर्स किए जाएं, क्योंकि हमें भी ऑनलाइन पढ़ाई करवाई गई है औरों की तरह। जो प्रोटेस्ट आज बच्चों ने किया है एग्जाम्स रिलेटेड है, एग्जाम बच्चों के डेट शीट HSBT हरियाणा स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन ने डेट शीट जारी कर दी है। फाइनल ईयर के पेपर जो हैं वो 19 फरवरी से शुरू हो रहे हैं, और थर्ड सेमेस्टर के जो पेपर हैं वो 1 मार्च से डेट शीट आ चुकी है। बच्चों का वर्जन ये है कि हम कोरोना के कारण पेपर देने यहाँ पे नहीं आ सकते, इसलिए हमारे पेपर ऑनलाइन लिए जाए, वो ऑफलाइन में पेपर देना नहीं चाहते, मेन ये मुद्दा है। तो ये चीज़ हम, क्योंकि ये और भी स्टेट में 40 और पॉलिटेक्निक भी हैं, तो हम इस मुद्दे पे कोई नहीं कह सकते। हम बच्चों का जो मेमोरेंडम है वो ले लिया है, और हम हेड ऑफिस इसको फॉरवर्ड कर देंगे। आगे की कार्रवाई हेड ऑफिस और CM सेल में जो भी डिसाइड होगा कैसे पेपर लेने वो। बता दें कि 19 फरवरी से छात्राओं की परीक्षाएं शुरू होने जा रही है, जिससे पहले विद्यार्थियों का ऑफलाइन परीक्षा के प्रति विरोध देखने को मिल रहा है। वहीं प्रिंसिपल ने इस मामले में बताया कि आज विद्यार्थियों ने ऑफलाइन परीक्षा के प्रति विरोध किया और कहा है कि कोरोना के कारण हम पेपर देने नहीं आ सकते, हमारे पेपर ऑनलाइन लिए जाएं। उन्होंने बताया कि विद्यार्थियों का ज्ञापन ले लिया गया है और हेड ऑफिस भेज दिया जाएगा। बाइट रंजीत सोडा, प्रिंसिपल, फाइनल व्यू। ऑफलाइन परीक्षा का सभी जगह विरोध देखने को मिल रहा है। छात्रों का कहना है कि अब उन्हें ऑफलाइन पढ़ाई ही नहीं करवाई तो ऑफलाइन परीक्षा क्यों दे? अब देखना ये होगा कि ऑनलाइन परीक्षा को लेकर सरकार क्या निर्णय लेती है। पंजाब के सी टीवी चंडीगढ़ के लिए अंबाला से कृष्ण बाली की रिपोर्ट।